सभी को ये नया इंटरव्यू कैसा लगा आप सब कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आप में से अधिकतर लोग मुझे मैसेज करके पूछते हो भाई आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, तो भाई मैं OBS यूज़ करता हूँ, आप सब देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, प्लस ये फ्री भी है और सभी ज़रूरी फीचर हमें इसमें मिल जाते हैं। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है अपने PC में तो ज़रूर यही सॉफ्टवेयर बस यूज़ करो, एक सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ आपको हो जाएगा। तो अब हम इस वीडियो के में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टास्क मैनेजर के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हो कि जब मैंने ये लैपटॉप खरीदा था DY3008AU, तो मुझे इसमें मिली थी 4 GB की रैम और 1 TB की हार्ड डिस्क, जिससे ये कंप्यूटर चलाना असंभव था। बहुत लैग होता था, मतलब चलता ही नहीं था, और कोई गेम तो खुल ही नहीं सकता था इसमें कभी भी। क्योंकि मैं टास्क मैनेजर खोल के बताता हूँ, क्योंकि ये जो मेमोरी यूज़ आप देखोगे 32% के आसपास, ये हमेशा रहती थी 84 या 90 के आसपास होती थी, और CPU यूज़ तो 50-60 पहुँच जाती थी। उसके बाद मैंने अपग्रेड किया, 8 GB की रैम मैंने एक्स्ट्रा लगाई, प्लस 256 GB की SSD मैंने लगाई, और मैंने विंडोज़ को कॉपी कर दिया इसमें SSD में, तो कॉपी ने इंस्टॉल कर दिया है SSD में। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पूरी कंप्यूटर एकदम रॉकेट की स्पीड से चलती है। मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके कंप्यूटर में SSD लगता है तो आप अपने विंडोज़ को SSD में ही डाल कर रखिए, कंप्यूटर एकदम मक्खन की तरह चलेगा। तो आइए हम थोड़ा टास्क मैनेजर देख लेते हैं। पहले CPU देखते हैं। CPU नॉर्मली अब बस वही आप जो यहाँ कंप्यूटर पे देख रहे हो ये 20 के आसपास ही उतरती है। अगर मैं गेम खेलता हूँ तब ये सैलरी ऊपर जाए, पर उतनी के आसपास ही रहती है। मेमोरी यूजेज हमेशा 3.8, अगर कंप्यूटर बस नॉर्मली ओपन है, अधिक हैवी एप्लीकेशन नहीं खुला हुआ है, तो 3.8 ही रहती है। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ मेरे 4 एप्लीकेशन खुले हुए हैं, एक है फोल्डर, दूसरा है क्रोम, तीसरा है टास्क मैनेजर और चौथा है OBS। आप यहाँ देख सकते हो कि 7.9 GB रैम अभी अवेलेबल है मेरे पास, और जो कुछ भी आप पूरी स्क्रीन पर देख सकते हो। और मैं GPU वही अभी OBS यूज़ हो रहा है इसलिए 21% के आसपास है, नहीं तो GPU यूज 0 या 1, 2 के आसपास ही रहता है। आइए मैं आपको एक हैवी गेम ओपन करके बताता हूँ। दोस्तों जब मैं GTA 5 को ओपन करूँगा तो बैक नहीं आ सकता, ठीक है, वो गेम को खेलना ही पड़ेगा। तो अभी आप रैम यूजेज देख लीजिए, 3.7 है, ठीक है, ये ग्राफ भी देख लीजिए, हम स्ट्रेट लाइन है और यहाँ 4 एप्लीकेशन खुले हुए हैं। अब मैं GTA 5 को ओपन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो GTA 5 बहुत ही हैवी गेम है, और ये गेम है 40 GB के आसपास का। मैं इसे ओपन करता हूँ। बहुत ज़्यादा ही ये ज़बरदस्त है ना, 40 GB की ये गेम हो जाती है टोटल, और ये 40 GB तो इंस्टॉल करने में होती है, और जब ये एक्सट्रैक्ट होती है तो ये पहुंच जाती है 80 GB। और ये गेम को मैंने डाल कर रखा है SSD में ताकि ये स्मूथली और बहुत ही फास्ट चल सके, नहीं तो आप जानते हो हार्ड डिस्क कितना ज़्यादा ही स्लो होता है। और कंपेरिजन तो मैंने दिखाई नहीं थी इससे पहले वाले वीडियो सब में कि हार्ड डिस्क और SSD में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैंने ये बात नोटिस किया कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो रैम को लेकर बहुत ही टेंस्ड हैं कि कौन सा रैम लें, कौन सा नहीं लें, कौन सी फ्रीक्वेंसी की रैम लें। क्या मेरे पास एक 24,000 फ्रीक्वेंसी की रैम है, नहीं 2400 फ्रीक्वेंसी की रैम, सॉरी मैंने गलत बोला था, 2400 फ्रीक्वेंसी की रैम है और एक और रैम है मेरे पास 2666 MHz की, तो क्या वो दोनों एक साथ चलेगा। तो इन सब के जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में जो है रैम सबकी रैम पे जो मैंने वीडियो बनाया उसके लिंक पे आपको मिल जाएगा। मैं ये गेम बंद करता हूँ और तुरंत मैं आपको दिखाता हूँ कि रैम यूजेज कितनी गई होगी। हाँ ये 3.8 के आसपास चल रही थी, और यहाँ से ग्राफ अप डाउन हुआ थोड़ी कि ये गेम खुला होगा, ये कितनी आप मान सकते हो, यहाँ पे अगर 3.8 है तो यहाँ पे मान लीजिए 6 होगा। तो आप देख सकते हो SSD में डालने के बाद ज़्यादा रैम यूज़ भी नहीं होता है, क्योंकि SSD बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है, मेन बात यही है।
और ये सर आप लोग के घर की तभी कभी कभी होता होगा ये सब साउंड आते होंगे डॉग्स के, जो कि मैं अभी दिमाग ख़राब कर रहे हैं। मैं रात के 12 बजे ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मैं वीडियो को इस टाइम पे इसलिए शूट करता है ताकि घर में सब सोए हुए थे, बाहर का नॉइज़ अधिक नहीं है, पर ये लोग नहीं सुधरने वाले। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है अपने लैपटॉप चलाने में या फिर अपने कंप्यूटर चलाने में, तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे। मैं कमेंट में अगर पॉसिबल हो तो वहाँ मैं आपको आंसर दे दूँगा। अगर मैं देखूँगा कि अगर कमेंट में आंसर देना मुश्किल है, मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूँगा खास आपके लिए। तो इस वीडियो के बस इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल यूनिक टेक। थैंक यू।